तो गाइस क्या हाल चाल है सभी के, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गया हूँ एक नई जर्नी लेकर। हम लोग अभी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, यहाँ से करते हैं नई जर्नी की शुरुआत। यहाँ से हम जाएंगे पूरा न्यू दिल्ली तक। तो आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी ट्रेन है और हम किस में ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलते हैं, आपको मैं सीधा प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको स्टेशन का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म। तो गाइस देखिए, ये है मुंबई सेंट्रल का व्यू, देख सकते हैं आप। यहाँ पर यह ए सी वेटिंग रूम है, और इधर आपको कोमसम भी दिख जाएगा, फूड ट्रैक का फूड प्लाजा भी दिख जाएगा। और ऊपर आप यूआर बैन पोर्ट्स में रुक सकते हैं, इंडिया फर्स्ट पोर्ट होटल, यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा प्लेटफॉर्म पे, और दिखाता हूँ हमारी कौन सी ट्रेन है और उसके बाद जर्नी की शुरुआत करते हैं। ट्रेन से पहले मैं आपको अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव दिखा देता हूँ, जो हमें आज यहाँ से लेकर दिल्ली तक लेकर जाने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव। आप सामने देख रहे हैं वडोदरा सेट का WAP 7, जो कि फॉर्च्यून लिवरी वाला है। यही आज हमारी दुरंतों को लेकर जाने वाला है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। तो चलो मैं आपको सीधा ट्रेन दिखाता हूँ, आपको मैंने नाम बता ही दिया है। तो आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ मुंबई सेंट्रल से दिल्ली को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन आ रही है जिसका ट्रेन नंबर है 222-09। आज की हमारी ट्रेन का नंबर है 222-09, जो कि मुंबई से चलकर न्यू दिल्ली को जाएगी दुरंतो। और आज इसमें एक खास बात है, ये फुल एसी दुरंतो है, बट इसमें अब सेकंड सीटिंग ऐड कर दिया गया, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। तो सेकंड सीटिंग कोच है DL1, तो इसमें आप सेकंड सीटिंग में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, आपको अच्छी ट्रेन में ट्रैवल करना दुरंतो ऐसी प्रीमियम ट्रेन में, तो आप सेकंड सीटिंग में इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइस मुंबई से लेकर दिल्ली तक हमारी 1385 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है, 1385 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई सेंट्रल टू न्यू दिल्ली। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और देखना ट्रेन के स्पीड स्किप्स वगैरह, और ओवरटेक भी मैं आपको दिखाऊंगा जो भी ट्रेन ओवरटेक लेगी। आपको जैसा कि मैंने दिखाया था, हमारा WAP 7 है आज, ये जो फॉर्च्यून लिवरी का है वडोदरा सेट का, तो ये हमारी ट्रेन से कपल हो रहा है, तो कपलिंग हो गई है। ये हमारा कोच DL1, जो कि ट्रेन में नया लगा और अब चलने वाला है, जिसमें अभी कुछ ही दिन पहले इसको चालू किया है, ट्रेन में चलना स्टार्ट हुआ है। DL1 के साथ दुरंतो चलती है, फुल एसी ट्रेन है जैसा आपको मैंने बताया। तो चलो मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके DL1 का इंटीरियर। ये आप देख सकते हैं सामने लोअर सीट है, और इसके साथ ऐसे ही है। अभी कोच बिल्कुल नया, इंटीरियर तो बिल्कुल साफ सुथरा है। और आपको देखिए दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे वहाँ पर लोअर की साइड भी, और यहाँ फैन वगैरह लाइट एकदम सारी चीज़ें वर्किंग है। यहाँ नितिन भैया हमारे अभी बैग सेट करने में बिजी हैं। ये है सामने हमारी साइड लोअर सीट, और यहाँ पे भी आपको दो दो चार्जिंग प्लग्स मिल जाएंगे। और ये है मेरी सीट। तो अभी बस आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आगे ट्रेन का डिपार्चर। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से कोच का लेआउट है। तो अब डिपार्चर से पहले मैं आपको नितिन भैया से मिलवाता हूँ, इनसे पूछते हैं कि उनको कैसी लगी अभी तक ये ट्रेन का ये कोच नया, जो भी शुरुआत की है रेलवेज ने कि एसी दुरंतो में ये आपको सेकंड सीटिंग कोच मिल रहा है DL1। तो भैया से पूछे इसके बारे में, वो ट्रेन के बारे में कैसी उनकी एक्साइटमेंट है, क्या है वो, भैया से बात करो। दोस्तों बात ऐसे है कि अगर आपको एसी ट्रेन जो कि सुपर फास्ट और प्रायोरिटी हो जिसकी, और जो नोन हो अपने रुतबे को लेकर, ठीक है, उसमें अगर आपको बैठा ही मिल जाए, 500 रुपये में आपकी जर्नी हो जाए मुंबई टू दिल्ली, तो यू हैव टू थैंक्स इंडियन रेलवे, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये जो ट्रेन है ना, ये आम ट्रेन नहीं है भाई, बहुत ही प्रायोरिटी वाली ट्रेन है, 130 पे दौड़ने वाली ट्रेन है। तो ये इसमें हर बंदा नहीं घुसेगा, जिसकी बुकिंग हुई हुई है वही बस इस बोगी में आएगा और अपनी जर्नी करेगा। बाकी मेरी उम्मीद यही है कि ट्रेन खचाखच चले और बस जर्नी धमाकेदार हो, बाकी पूरी नींद जो है वो नहीं ले पाएंगे, जाके करनी पड़ेगी जर्नी। सो बिल्कुल जैसा कि भैया ने कहा, जागना तो पड़ेगा ही। मैं तो आप लोगों को बताइए, वैसे ही बहुत ही कम होता है कि ट्रेन में सो जाऊँ, रात भर कवर करता हूँ। तो इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे ओवरटेक्स, तो बने रहिएगा, स्टेशन स्किप मिलेंगे आपको तेज स्पीड में देखने को। तो भाई आज की जर्नी होने वाली है 16 आवर 55 मिनट्स की, यानी कि 17 घंटे की जर्नी होने वाली है। और सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल कोच में हम जर्नी कर रहे हैं। कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, बट देख लिया आप लोगों के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि न्यू कंटेंट देना है। तो हम लोग 17 घंटे तक जनरल कोच में रहेंगे, आज सोएंगे तो बिल्कुल नहीं, रात भर कवर करेंगे ट्रेन को। तो आप वीडियो प्लीज़ बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक। इंडियन रेलवेज की ये पहली दुरंतो है जिसमें सेकंड सीटिंग कोच लगा हुआ है, और जनरल मैंने आपको बोला तो इसको जनरल मत समझना है, सेकंड सीटिंग है, रिजर्वेशन होकर चलता है। तो
ये जैसा कि आप लोगों को पता है मुंबई न्यू दिल्ली दुरंतो जो है फुल एसी ट्रेन है, तो इसमें सेकंड सीटिंग कोच की शुरुआत की इंडियन रेलवेज में। ये भी बहुत अच्छा है अपने आप में, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं थर्ड एसी और सेकंड एसी फर्स्ट एसी का ट्रैवल, उनको दुरंतो में ट्रैवल करना है तो वो इस कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। बजे अपने राइट टाइम पे ट्रेन ने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है मुंबई सेंट्रल से, तो एक बहुत ही ताबड़तोड़ जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, साथ दीजिएगा और देखते रहिए जर्नी को। और मेरी लाइफ की ये सेकंड दुरंतो है, इससे पहले मैंने जम्मू दुरंतो में ट्रेवल किया हुआ, बट उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता था, बहुत पहले की बात है। तो मेरी लाइफ की सेकंड दुरंतो एक्सप्रेस है, हमारा लोकोमोटिव के बाद फर्स्ट कोच है। So it's time to say goodbye to Mumbai Central. Thank you.
जाते 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 गाड़ी में किया दोस्तों। ये जो ट्रेन आपके सामने अभी अराइव हुई है वडोदरा पे, ये है जामनगर बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस। सो गाइस, अपने टाइम से 12 मिनट देरी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं वडोदरा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BRC। और अभी तक का ट्रेन का रन एक नंबर रहा है। क्या स्पीड भागी है ट्रेन, आपको मैंने दिखाया है, आपको ओवरटेक्स भी दिखे, आपको कैसा लगा कमेंट जो बताना, ट्रेन की स्पीड और ट्रेन के ट्रैक साउंड और ओवरटेक कैसे लगे। और गाइस, मेरी आंखें आप देख सकते हैं, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूं, आंखें लाल हो रही हैं, क्योंकि मेरी जो जर्नी मैंने जिससे मैं कल मुंबई गया था
तो वो इसके बाद आने वाली है, क्योंकि पहले मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगी। जिस ट्रेन से मैं दिल्ली से मुंबई गया था, तो उसमें मैं पूरी रात नहीं सोया था, और आज भी देख लो मैं जागा हुआ हूँ। उससे पहले मतलब हमारे जिस दिन ट्रेन थी दिल्ली से, उससे एक दिन पहले भी मैं नहीं सोया था, क्योंकि एक्साइटमेंट थी कि फर्स्ट टाइम मुंबई जा रहा था मैं, तो उसी वजह से रात भर मैं सो नहीं पाया। घर में भी नींद नहीं आई, और ट्रेन में मैं सोया नहीं दिल्ली से मुंबई के बीच, और आज भी पूरा दिन जागा रहा हूँ, और अभी भी देखिए ट्रेन में जागा हुआ हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली जर्नी की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब मैं आपको इसके बाद यहाँ से सीधा डिपार्चर दिखाता हूँ ट्रेन का। डिपार्चर से पहले आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये है हमारा कोच DL1 जो कि हाफ पैसेंजर्स के लिए और हाफ है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। और सामने हमारा फॉर्चून लिवरी का WAP7 लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ हमें लेकर आया था। आप जानते ही हैं, देखा आपने, इतनी तगड़ी स्पीड के साथ हमें लेकर आया था यहाँ पर WAP7। और वहां से मुंबई तेजस राजधानी भी जा रही है, आप देख सकते हैं। ज्यादा जूम नहीं करूंगा, पिक्सल फट जाएंगे, बट आप ऐसे ही देख लीजिए, मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भाई ट्रेन का सिग्नल हो गया है यहाँ पर, तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ यहाँ से। मैंने आप लोगों को दिखाया वडोदरा से डिपार्चर, और टाइम हो चुका है अब 3:45। तो अब मेरे को आ रही है बहुत तेज नींद, अब मैं सोता हूँ और सीधा आपसे मिलूंगा सीधा रतलाम पे। सुबह 7 बजे रतलाम पहुँचने का टाइम है, ट्रेन टाइम से पहले पहुँची तो मैं रतलाम आपको तब दिखा दूंगा, और टाइम पे पहुँची तब दिखा दूंगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं सुबह। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस टाइम टाइम हो रहा है 6:50 और हम लोग पहुँचे हैं रतलाम।
लोग पहुंच गए रतलाम स्टेशन, जो कि मुंबई से चलकर हमारा सेकंड हॉल्ट है, और यहां तक हमने डिस्टेंस कवर कर लिया 652 किलोमीटर्स का। और यहां पे हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 7 बजे, और यहां पे ट्रेन 2 मिनट बिफोर पहुंची है 6:58 पे। और स्टेशन कोड है रतलाम का RTM। बाकी आपको मैं सेकंड सीटिंग का रिव्यू दूँ कि DL1 का वैसे कोच बिल्कुल ठीक है, सीट्स भी अच्छी हैं, बट ये है कि अगर आप थके हुए हैं उसके बाद आपको रेस्ट करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि जैसे आपके पास स्लीपर में आप जर्नी करते हैं या AC में जर्नी करते हैं, चाहे थर्ड AC हो सेकेंड AC हो, तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये है, अगर आपको थकावट है फिर आपको सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें और भी लोग होते हैं जिनकी सीट्स हैं। तो जैसे मैं 2 दिन से नहीं सोया था, आपको पता ही है, तो अभी भी मैं नहीं सो पाया हूँ। बस कुछ मिनट का, 5-5 मिनट 10-10 मिनट का पावर नैप लेने से क्या हो पाएगा, तो वही है बस। इसलिए कंटेंट आप लोगों के लिए बनाना है तो इसलिए कवर कर रहे हैं। बाकी तो मैं दिल्ली पहुंचने के बाद घर जाके नींद अपनी पूरी कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें तो नहीं सो पाऊंगा। बट ये है कि ट्रेन अच्छी है, अब इस कोच में आप अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DL1 में भी क्योंकि सीट्स अच्छी है, अभी क्योंकि नया नया कोच है, सीटें नहीं है तो मेंटेन है। तो चलो मैं आपको सीधा इसका डिपार्चर दिखाऊंगा यहाँ से। लंबा सफर है इसका, हाँ बहुत लंबा रूट है। बाकी हम लोगों ने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है रतलाम से। अभी खड़े हैं कोटा के आउटर पे, क्योंकि आगे एक ट्रेन थी तो अब वो निकली है, तो अब हमें भी सिग्नल दे दिया, तो हम लोग अब पहुँचेंगे कोटा रेलवे स्टेशन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोटा का अराइवल, जो आगे ट्रेन थी जिसको निकाला गया है वो भागलपुर वाली है, उससे हमने ओवरटेक भी लेना है। जहाँ भी ओवरटेक होगा मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वीडियो को स्किप मत करना। और ओवरटेक आने वाले हैं, 2-3 ओवरटेक हैं बाकी, देखो जो भी होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ठीक। Yeah.
उधर से अराइवल नहीं बना रहा हूँ, यहाँ से आपको अराइवल दिखा रहा हूँ। कोटा रेलवे स्टेशन टाइम से अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले हम लोग आ चुके हैं कोटा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KOTA, और राजस्थान में आपका स्वागत है भाई। ट्रेन एक नंबर चलते हुए आ रही है, मजा आ गया ट्रेन जर्नी में। बाकी वीडियो में बने रहिएगा, भी आपको ओवरटेक दिखाने वाला हूँ मैं, 2-3 ओवरटेक होंगे, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, ओवरटेक मिस मत करना। चलो अब मिलते हैं सीधा इसके डिपार्चर पे। तो 10:05 पे हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो गया है कोटा जंक्शन से। चलो तो मैं आपको दूसरी साइड लेकर चलता हूँ, वहां से ट्रेन क्रॉस होगी तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। पैटीज ये सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। भाई सामने जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है गोल्डन टेम्पल मेल, जो अमृतसर से चलकर मुंबई को जाते हैं। कोटा से हमने ली थी ये कचौड़ी, बाकी अब आपको नितिन भैया बताएंगे कि कैसी है। भैया को बढ़िया लगी, चलो मैं भी एक बार टेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसी है। टेस्ट इसका सच में बहुत अच्छा है, कोटा जब भी आप कचौड़ी मिले आप जूट पै कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी है। तो मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद फिर आगे वीडियो बने भैया दिखाता हूँ। Thank you.
खूबसूरत नज़ारे हो, ट्रेन की स्पीड 130 की स्पीड से लगातार ट्रेन भाग रही थी हमारी, और 35 मिनट्स बिफोर है अभी टाइम से, अभी ट्रेन थोड़ी बहुत स्लो हुई है, उससे पहले लगातार 130 की स्पीड में चल रही है। मैंने आपको भी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए, तो उसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे लगे यहाँ के नज़ारे और ट्रेन की स्पीड कैसे लगी और ट्रैक साउंड कैसा आ रहा है वीडियो।
सब लोग पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन, जबकि यहाँ पे हमारा कोई होल्ट नहीं है, बट हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है क्योंकि हमारी ट्रेन टाइम से बिफोर चल रही है, तो इसलिए आगे लाइन क्लियर नहीं है, तो ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया है। चलो अब मैं आपको दिखाऊंगा झेलम एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। सामने एक ट्रेन आ रही है, जहाँ तक मुझे लगता है जैसा कि मैंने आपको बताया झेलम की क्रॉसिंग दिखाऊंगा। Thank you.
बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस। हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब जर्नी खत्म करने का टाइम आ गया है। तो जर्नी खत्म होने से पहले आपको मैं कोच का इंटीरियर दिखा देता हूं कि कैसी हालत है सीट्स की और कैसी कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी इसमें, सेकंड सीटिंग कोच में और फुल एसी दुरंतो, जैसा कि आपको मैंने बताया था। अगर आपने यहाँ तक लोग देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ सीट्स का लेआउट और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मिरर है, वॉश बेसिन है और कुछ इस तरीके से है यहाँ पे सीट्स का, जैसे हर ट्रेन में होता है आपको पता ही है सेकंड सीटिंग में कैसा रहता है। ये साइड लोअर है ऐसे ही होती है और ये अपर है, यहाँ कोई पाव छोड़ गया है अपने और यहाँ है जी। तो यहाँ पे आपको देखो चार सीट्स मिल जाएंगी, इस साइड भी चार सीट मिल जाएंगी और चार्जिंग प्लग भी आपको दो मिल जाएंगे। ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो आप एसी में ही ट्रैवल कर सकते हैं। दुरंतो है इसमें, स्लीपर तो होते नहीं इस वाली दुरंतो में, तो इसमें सेकंड सीटिंग लगाया है। तो यहाँ देखिए एसी सीटीवी भी लगा हुआ है, लगेज के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो फैन वगैरह भी है, लाइट्स भी है। ये देखो नई दिल्ली राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस को लगाया जा रहा है। तो जर्नी ओवर होने से पहले आप ये बोनस क्लिप देख लीजिए एक बार, न्यू दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भैया अब वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सफ़र के बारे में? सफ़र ये है कि थोड़ी सी आपको कष्ट हो सकता है, रात में जागना पड़ेगा, थोड़ी सी नींद भी आपकी टूटेगी और ठंड भी लगेगी। अगर सर्दी है तो प्रॉपरली नींद नहीं आएगी, पर अगर आप जल्दी आएंगे तो आप बाजी मार सकते हैं, आप सीट ले सकते हैं, स्लीपर वाला काम करेगा वो वाला सीट। तो ओवरऑल ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा भाई, और ट्रेन भी मस्त चलती है। अभी आके मथुरा के बाद थोड़ा सा लेट हुआ है, बट ओवरऑल फुल मार्क्स, मज़ा आया। बाकी भैया थैंक यू सो मच ये ट्रिप प्लान करने के लिए, और आपके साथ सफर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लगा ही नहीं कि मज़ा आया भाई, कैसे निकल के पता नहीं चला बिल्कुल। और मेरे को लगा नहीं कि पहली बार आपके साथ ट्रैवल किया है मैंने, बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में और जल्दी साथ करेंगे जरूर जरूर। तो चलिएगा इसमें मिलते हैं आने वाली किसी और नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तो चलो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।